मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो है चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तक यानी कि टिश्यू। पार्ट वन वीडियो में हमने अस्थाई उत्तक के पहले प्रकार सरल अस्थाई उत्तक के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में देखने वाले हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैंने सरल अस्थाई उत्तक के बारे में बताया था कि वह एक ही प्रकार के समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन यहाँ जटिल अस्थाई उत्तक क्या होता है? तो यहाँ लिखा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो यह कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की तो होती है लेकिन एक जैसा ही कार्य को संपादित करती है, इसीलिए उन्हें इस उत्तक की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए उन्हें एक जटिल अस्थाई उत्तक कहा गया है। मतलब ये एक ही जैसा कार्य करती होंगी बल्कि इनकी रचना दिखने में अलग हो, यानी कि इनकी उत्पत्ति समान हो ही रही होगी। मैंने पार्ट वन वीडियो में आपको समझाया था, तो यहां से आपको परिभाषा क्लियर होगी जटिल अस्थाई उत्तक की कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। देखिए यहां पे भी आ गया ना, एक साथ कार्य करते हैं, एक ही कार्य को करते हैं। यह जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि इनका काम क्या रहता है जटिल अस्थाई उत्तक का? जल को, खनिज लवणों को और खाद्य पदार्थों को ये पौधों के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं, जहां उसकी जरूरत होती है। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम यानी कि जिसे दारू भी कहा जाता है, और दूसरा होता है फ्लोएम जिसे बास्ट भी कहा जाता है। यह दोनों मिलकर एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये संवहन का कार्य करते हैं ना, यानी कि ये दोनों मिलकर एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कह सकते हैं। यानी जटिल अस्थाई उत्तक को हम लोग संवहन उत्तक के नाम से भी जान सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है यह किस मात्रा में किस पौधे में है, यानी जाइलम और फ्लोएम किस मात्रा में किसी पौधे में है, वह वृक्षों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझा जाए। चलिए तो देखते हैं जाइलम। जाइलम को हम लोग दारू भी कहते थे, अभी मैंने आपको बताया था। जाइलम उत्तक पौधे के मूल, तना और पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मूल में, तना में और पत्तियों में। तो ये देख रहे हैं अनुदर भाग को लिए हैं, ठीक है, अनुदर रूप को लिए हैं, जाइलम की कोशिकाएं हैं। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं, दारू भी कहते हैं और चालन उत्तक, ताकि ये चलने का काम करता है, कंडक्ट करने का काम करता है, इसलिए कंडक्टिंग टिश्यू भी इसे कहा जाता है। यह चार प्रकार के तत्वों से बना होता है, जाइलम जो होता है, जाइलम उत्तक, यह चार प्रकार के तत्वों से बना होता है। पहला जो होता है वाहिनिकाएं होता है, जिसे हम लोग ट्रेचिज भी कहते हैं। देखिए वाहिनिकाएं यहाँ लिखे ना, वाहिनिकाएं, देखिए ये पहला वाहिनिकाएं है, ठीक है। दूसरा है वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, देख रहे हैं ना, वाहिकाएं ये दिखा रहा है, ये वेसल्स ये है और यह वाहिनिकाएं है, ठीक है। जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर इसमें नहीं दिख रहा है आपको फिगर में, एक्चुअल में जाइलम का फाइबर यानी कि उसके रेशे की बात हो रही है, जाइलम तंतु। और जाइलम मृदुत्तक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा, ये वाला जो देख रहा है ये जाइलम पैरेन्काइमा है। तो एक एक करके अब इनके बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ तो हमें पता चल गया कि जाइलम जो होता है मूल में, तना में, पत्तियों में, यहाँ जगह पाया जाता है, ठीक है। और ये चार प्रकार के तत्वों का बना होता है, ठीक है। एक्चुअल में जाइलम जल के संवहन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जल के संवहन का कार्य करता है। यह चार प्रकार के तत्वों से बना होता है, तो एक एक करके चारों तत्वों के बारे में समझते हैं। चलिए तो देखते हैं, पहला है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या होती हैं? यानी क्या है कि इसकी कोशिकाएं लंबी, जैसा कि फिगर में देखें लंबी, जीव द्रवहीन यानी इसमें जीव द्रव नहीं होता है, और दोनों सिरों पर नुकीली एवं मृत होती है। दोनों सिरे पर नुकीली है और ये मृत होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसका ये जो कोशिका का जो वॉल होता है वह मोटा होता है, और स्थूलित होती है, यह स्थिर रहती है, स्थूलित होती है, स्थूल होती है, ठीक है। फिर वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती है। वाहिनिकाएं जो है, जो संवहन करने वाला पौधा जो होता है, उनके प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह वाहिनिकाएं, समझ गए? तो ये आकृति समझ में आ गया। चलिए अच्छा, इसके कार्य के बारे में बात करें तो इसका कार्य हम लोग लिख सकते हैं कि ये पौधों को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है, और जल को तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। यह क्या करता है? जल को तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है, जड़ से तना तक और वहां से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी पौधे क्या करते हैं? तो पौधे जल को ग्रहण करते हैं जड़ से, और उनको यह तने द्वारा कहां तक लेके चला जाता है? पत्तियों तक, ताकि वह अपने भोजन का निर्माण कर सके।
चलिए अगला देखते हैं वाहिकाएं। तो इसकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है, लंबी नली के समान होती है, ठीक है, देख रहे हैं ना, यह मृत रहती है और लंबी नली के समान। तो इसी के और बहुत सारे रूप है, वाहिका का ही बहुत सारा रूप यह देख रहे हैं, ये सारे वाहिकाएं ही हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे यह भी लिखे हैं कि कभी कभी स्थूलित भित्तिये निम्नलिखित विभिन्न प्रकार से मोटी होकर वलयाकार सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा गर्ती जालिका रूप, देख रहे ना, यह देखिए यह वलयाकार दिख रहा है, यह सर्पिल के रूप में दिख रहा है, यह देखो सीढ़ीनुमा दिख रहा है ना इसमें, यह देखो जालिका रूप दिख रहा है, ये गर्ती दिख रहा है, मतलब अलग अलग रूप की हो जाती है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि वाहिकाएं जो होती है मृत होती है, लंबी होती है, अलग अलग रूप में हो जाती है, क्योंकि इसकी कभी कभी जो भित्तियां होती है ना स्थूलित होकर ऐसा रूप ले लेती है, ठीक है। अच्छा इसकी भी बात करें तो यह भी आपके प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके कार्य की बात करें तो यहाँ कह सकते हैं कि यह भी जड़ से जल को खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह क्या करता है कि पौधों के जड़ से जल को एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका भी काम है जल को और खनिज लवण, ये खनिज लवण को भी और जल दोनों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं जाइलम तंतु। तो यह लंबे शंकु रूप, देख रहे हैं ना, यह लंबा है, शंकु रूप है, स्थूलित है और मृत कोशिका का बना होता है, और यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों सूर्य से नुकीली होती है। यह प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। काष्ठीय मतलब लकड़ी वाले, उडली जो पौधे होते हैं ना, जो लकड़ी प्रदान करने वाले, और जिनके बीज दो भागों में बढ़ जाते हैं, द्विबीजपत्री वाले, उनमें यह पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, ये पौधों में यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं जाइलम मृदुतक। तो इसकी कोशिकाएं प्रायः पैरेनकाइमेट्स एवं जीवित कोशिकाएं होती हैं, यानी मृदुतक की तरह होती हैं और जीवित रहती है। इसकी कोशिकाएं मृदुतक की तरह और जीवित होती है, इसमें कोशिका द्रव केंद्रक वगैरह पाया जाता है, ठीक है ठीक है। इसमें बड़ा सा केंद्रक होता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है। यह कार्य क्या करता है, तो एक्चुअल में यह एक तरह का क्या है जी, जाइलम मृदुतक है ना, तो यह एक तरह से यांत्रिक सहारा का सहारा प्रदान करने का कार्य करता है और पौधों में मजबूती लाने का कार्य करता है, और साथ ही साथ यह भोजन को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, यह भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है। और जैसे तनों की, जैसे पौधे के तने हो गए, तनों के जो पसर्व भाग होंगे ना, उनमें जल के संवहन में, उसके किनारे के भाग में जल के संवहन का कार्य भी करता है, किनारे के भागों में जल का संवहन भी करता है, भोजन का संग्रह भी करता है और यांत्रिक सहारा भी पौधों को देता है। तो यही चारों जो आपकी भिन्न प्रकार के तत्व थे, ये मिलकर एक जाइलम तंतु, जाइलम का निर्माण करते हैं, जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से क्या करता है जाइलम, तो पौधों में जल का और खनिज लवणों का जड़ द्वारा संवहन कराकर तनों द्वारा कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जाइलम का काम क्या है कि जड़ से खनिज लवण और जल को लेकर शरीर पौधों के शरीर के विभिन्न भागों में और तने से होते हुए वह पत्तियों तक जल का और खनिज लवणों का संवहन कर देता है, समझ गए। चलिए अब बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो होता है ना, पौधों के जड़ में, तना में, पत्तियों में पाया जाता है, और यह चार प्रकार के तत्वों के बना होता है। यानी कि फ्लोएम भी जाइलम के तरह ही जड़, तना और पत्ती में पाया जाता है। यह चार प्रकार के तत्व बना होता है, कौन कौन, तो चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं और फ्लोएम तंतु या फ्लोएम बास्ट और फ्लोएम मृदुतक। तो इन चारों के बारे में एक एक करके देखा जाए। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, चालनी नलिका दिखाए हैं और क्या दिखाए हैं, सह कोशिकाएं भी दिखाए हुए हैं यहाँ पे, आप फ्लोएम तंतु भी दिखाए हुए हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा है, है ना, फ्लोएम पैरेनकाइमा यानी कि फ्लोएम मृदुतक है यह, ठीक है, और यहाँ चालनी नलिकाएं देख रहे हैं। तो ये सारे हम लोग इस पे चित्र में ही दिखा रखे हैं, तो इनके बारे में एक करके समझा जाए। चलिए तो देखते हैं चालनी नलिका। तो चालनी नलिका जो होती है लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिका होती है। जैसे कि देख रहे हैं ना चालनी नलिका, यहाँ पे लंबी है, बेलनाकार है और छिद्रित कोशिका, छिद्रित भित्ति वाली कोशिका होती है। इसमें देखिए, इसमें जो है ना, यहाँ पे एक पट्टी जैसी देख रहे हैं ना, छिद्रयुक्त पट्टी, जिसे हम लोग चालनी पट्टी के नाम से जानते हैं, जो देख रहे हैं ना, चालनी पट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है।
और इसमें जो जब ये वयस्क रहता है, जब छोटा रहता है, यानी कि इसकी जब शुरुआत होती है चालनी नलिका की, तो उस समय में जब यह वयस्क रहता है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं है, लेकिन जब यही देखो इसमें केंद्रक यहाँ आ जा रहा है, जब ये बड़ा हो जा रहा है तो इसमें केंद्रक आ जाएगा। ठीक है, तो वयस्क रहता है तो उसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, और यह चालनी नलिका जो होता है ना, संवहनीय पौधों में जहां इसमें संवहन की क्रिया होती है उसी में पाया जाता है। ठीक है, इसके कार्य की बात करें तो इस नलिका का कार्य तैयार भोजन को पत्तियों से संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्रों में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। कहने का मतलब कि भोजन बनाने का कार्य जब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब भोजन निर्माण हो जाएगा, तो बना हुआ भोजन पत्तियों से यह लेकर कहां ले जाएगा, उसको संचय अंगों के पास, जहां पे भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है, स्टोरेज ऑर्गन के पास ले जाएगा। और वहां से फिर उसे क्या किया जाएगा, तो जहां जहां कार्य होगा, जैसे मान लो पत्तियों में वृद्धि होनी है, टहनियों में वृद्धि होनी है, वहां पे उसकी जरूरत है तो वहां जाएगा, या टूटे फूटे कटे फटे अंगों की मरम्मत की जरूरत है तो वहां पे ये जाएगा। यानी कि जहां पे इसके वृद्धि क्षेत्र की जरूरत होगी वहां पे ये भेजने का कार्य कौन करता है, चालनी नलिका करता है। एक तरह ये छन्नी का कार्य करती है, चलनी का कार्य करती है। चलिए अब बात करेंगे सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं क्या होती है, सहकोशिकाएं चालनी नलिका के पार्श्व भाग में स्थित रहती है। सहकोशिका देख रहे हैं ना, यह चालनी नलिका जो है ना, इसके पार्श्व भाग में, इसके लेटरल पार्ट में स्थित है। देख रहे हैं ना सहकोशिका, ये जो देख रहे हैं यह सहकोशिकाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक सहकोशिका लंबी होती है थोड़ी सी और जीवित होती है। इसमें केंद्रक और जीव द्रव पाया जाता है, इसमें केंद्रक और जीव द्रव पाया जाता है। सहकोशिका में केंद्रक और जीव द्रव रहता है। यह काम क्या करता है, तो यह चालनी नलिका में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करती है। यानी चालनी नलिका भोजन को क्या करती है, पत्तियों से शरीर के विभिन्न भागों में संवहन स्थान पे, वो क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करती है और संचय स्थान पर भी भेजती है, तो उसी में यह मदद करने का काम करती है सहकोशिका। नाम से ही पता चल रहा है, सहायता करने वाली कोशिका, इसको सहकोशिका कहेंगे, यानी इसे सहायक कोशिका भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, फ्लोएम तंतु क्या होता है। तो यह फ्लोएम तंतु जो होता है लंबी होता है, दृढ़ होता है और एस्केलरन काइमेट्स कोशिका के बने होते हैं, या एस्केलरन काइमेट कोशिका का बना होता है। कौन, फ्लोएम तंतु। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, तो फ्लोएम तंतु जो होता है ना, फ्लोएम तंतु फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता, इंटरनल सपोर्ट देने का काम करता है। कौन, फ्लोएम तंतु। ठीक है, हम लोग जाइलम तंतु भी देखे थे तो वो भी यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता था। ठीक है, जाइलम को। चलिए अब बात करते हैं फ्लोएम मृदु उत्तक की। तो यहां लिखे हैं, यह जीवित लंबी केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। जीवित होती है, लंबी होती है और केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है। यह सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती है, सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती है फ्लोएम मृदु उत्तक, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखा रहा है फिगर में, तो यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये अनुदर है और ये अनुप्रस्थ है। ठीक है, यह अनुप्रस्थ है, क्रॉस सेक्शन है और यह अनुदर है। ठीक है, तो यह है दोनों एक ही कोशिका का, सॉरी ये आपका फ्लोएम का ही है दोनों आकृति, तो यह अनुदर है या अनुप्रस्थ है। ठीक है, यह क्रॉस सेक्शन है और ये आपका, यानी कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से जब अनुप्रस्थ काट लेंगे तो यह है और यह अनुदैर्य काट, यानी ऐसे काट करके लिया गया है आकृति। ठीक है, चलिए इसका कार्य क्या करता है, यह भोजन संचित करता है और भोज्य पदार्थ के संवहन में भी सहायता करता है, साथ ही साथ यह इंटरनल सपोर्ट भी करता है मृदु उत्तक का। समझ गए ना, फ्लोएम का इंटरनल सपोर्ट भी करता है, या फ्लोएम मृदु उत्तक इंटरनल सपोर्ट भी करता है, भोजन का संचय का भी कार्य करता है और भोज्य पदार्थों के संवहन में, यानी कि उसके कंडक्शन में भी हेल्प करता है। यानी हमें यहां से ये पता चला कि जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम या बने हुए भोजन का संवहन करने का कार्य करता है। यानी कि यह भोजन जब बन जाता है पत्तियों में, तो पत्तियों में बने हुए भोजन को क्या करता है, तो उसको स्टोरेज रीजन में ले जाता है, संचय स्थान पे ले जाता है और साथ ही साथ वहां से कहां भेजता है, तो जहां जहां अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे पत्तियों में चाहिए, फलों के लिए चाहिए, फूलों के लिए चाहिए, तो वहां वहां ये जहां जहां आवश्यकता हुई कटे हुए भागों की मरम्मत के लिए, तो वहां पे ये क्या करता है, भोजन को भेजने का कार्य करता है। तो हमने यहां से सीख लिया कि जाइलम क्या करता है, तो जड़ से खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में बने हुए भोजन के संवहन में फ्लोएम मदद करता है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया।
हमने जटिल अस्थाई उत्तक के दोनों प्रकार को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है, जंतु के अंतर उत्तक के बारे में। तो वैसे तो अगर देखें उत्तकों के कई प्रकार होते हैं जंतुओं में, लेकिन मुख्य रूप से जनरली बहुकोशिकीय जंतुओं में चार प्रकार के उत्तक होते हैं, ठीक है, और भी प्रकार होते हैं लेकिन ज्यादातर जो भी जंतु होते हैं, जैसे मनुष्य में भी यही चार प्रकार होते हैं, वैसे ही बड़े आकार के जो भी बहुकोशिकीय जंतु हैं लगभग उनमें यही प्रकार होते हैं। तो इसीलिए मैं यही चार विशेष प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। पहला है उपकला यानी कि एपिथीलियम उत्तक यानी कि एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा है संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेशी उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू, जो कि बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, एक एक करके चारों के बारे में समझा जाए। चलिए तो पहला देखते हैं उपकला या एपिथीलियमी उत्तक। देखिए एपिथीलियमी उत्तक जो होता है यह अंगों की बाहरी पतली परत और आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। जो हमारे शरीर में जो भी अंग होते हैं, जैसे मान लो फेफड़ा होता है, फेफड़े की बाहरी परत और आंतरिक भीतरी स्तर का यह निर्माण करती है। ऐसे उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता है, ठीक है, इनके अंतर कोशिकीय स्थान नहीं रहते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी रहती है। अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है इसका मतलब कि वो सटी हुई होंगी। ऐसे उत्तक अंगों की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कोई अंग हुआ और अंग के बाहरी परत पर यह है और अंग के अंदर वाले परत पर है, अंदर वाले परत का निर्माण किया हुआ है यह, तो यह क्या करेगा कि उस अंग की रक्षा करने का कार्य करेगा, ठीक है। और ये रक्षा के साथ साथ अब देखो जैसे मान लो इसमें कोई इस अंग में कोई आवश्यक पदार्थ लेना है तो वह विसरण क्रिया द्वारा वह अंदर उसे अवशोषित कर लेगा अंग, किसके द्वारा, तो इन उपकला के द्वारा ही। ये जो ऊपर इसी में उपकला है इसी में से विसरण की क्रिया होगी, अवशोषण की भी क्रिया होगी और साथ ही साथ स्त्रवण भी होगा यानी कि इसमें से कुछ, जैसे मान लो कोई ऐसा अंग है जिससे कोई चीज स्त्रावित तो हो रहा है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों से हार्मोन स्त्रावित होता है, तो वो स्त्रवण की क्रिया कैसे होगी, तो इन्हीं के द्वारा, इन उपकला के द्वारा ही स्त्रवण होके यानी स्त्रावित होके वो बाहर आएंगे, विसरण क्रिया द्वारा वो अंदर जाएंगे, या अवशोषण की भी क्रिया इन्हीं उपकला के द्वारा ही होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, यह अंग को रक्षा भी कर रहा है, विसरण की क्रिया, अवशोषण क्रिया, स्त्रवण की क्रिया भी इसके द्वारा हो रही है, ठीक है। और इसका और भी कार्य इसके स्थान के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि स्थान के ऊपर निर्भर करने का मतलब यह कि वो अंग कौन सा है, उसमें विसरण की आवश्यकता है, स्त्रवण की आवश्यकता है, अवशोषण की आवश्यकता है, वह उसके ऊपर निर्भर करता है, वह उसके हिसाब से कार्य करता है। अब इसके उपकला की बात करें तो यह भी आपके चार प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, तो ये इनके आकार के ऊपर निर्भर करता है। पहला होता है सल्की एपिथीलियम। दूसरा होता है स्तंभाकार एपिथीलियम। तीसरा होता है आपका क्यूबाइडल। मैंने बोला नहीं, इसके आकार के ऊपर निर्भर करता है, क्यूबाइडल एपिथीलियम, ठीक है, नाम भी उसी के अनुसार रखा जा रहा है, क्यूबाइडल एपिथीलियम। उसी तरह चौथा हो जाएगा पक्षमल एपिथीलियम। तो ये चार प्रकार की होती है। तो इनका काम क्या होता है एक्चुअल में, ये टोटल मिलकर यही सब ना कार्य संपादित करती होंगी, यानी कि विसरण, अवशोषण, स्त्रवण, इन सब कार्यों को ही संपादित करती होगी। लेकिन यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और इनके अलग अलग कार्यों के बारे में अब समझते हैं, यानी एक एक करके चारों के बारे में देख लिया जाए। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग सल्की यानी सल्काब एपिथीलियम, ठीक है, एस्क्यूमस एपिथीलियम क्या होता है। तो ऐसे उत्तक की कोशिकाएं चपटी
तथा अत्यधिक पतली होती है, जैसा कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं ना, चपटी है और अत्यधिक पतली है। इनकी कोशिकाओं के इन कोशिकाओं के केंद्रक और न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं, इनका केंद्रक भी और न्यूक्लियस भी चपटा होता है, ठीक है, केंद्रक और न्यूक्लियस चपटा होता है, केंद्रक कहिए या न्यूक्लियस के चपटा होता है। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईट की तरह दिखती है, देख रहे हैं ना, चपटी ईट की तरह दिखती है। सल्काब एपिथिलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। आपका जो स्किन जो होता है ना, स्किन का जो बाहरी सरफेस होता है ना, वह इन्हीं का बना होता है, इसी एपिथिलियम का बना होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके अतिरिक्त यह आपके उत्तक के मुख, यह उत्तक जो होता है, ऐसे उत्तक मुख गुहा यानी मुंह के अंदर जो मुख गुहा है इसके में पाया जाता है, जीवा पे रहता है, ग्रास नली पे, आहार नाल पे, भोजन जिससे आप जैसे देखते हैं ना, ग्रास नली, फूड पाइप में होता है, हमारे आहार नाल में आपका बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टोमक, ये सब आते हैं, इन सब में यह पाया जाता है, ठीक है। यह रक्त वाहिनी तथा फेफड़े के वायु कोशों में भी पाया जाता है। यह मनुष्य के रक्त वाहिनिया ब्लड वेसल्स, ब्लड वाला जो वेसल्स होता है उसमें, और फेफड़े के वायु कोश जिसमें, जैसे आपका फेफड़ा इस तरह से आके ऐसे चला जाता है ना फेफड़े, तो वायु कोश जिसमें वायु इकट्ठा रहती है इस तरह से, इसमें भी इसी से बना होता है, सल्की एपिथिलियम का ही बना होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा इसका योगदान है हमारे शरीर में। शरीर की बाहरी त्वचा इसी की बनी होती है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख गुहा में, जीवा में, ग्रास नली में, आहार नाल में, सब जगह पाया जाता है, ठीक है। यह क्या करता है, तो यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करता है, रक्त वाहिनी एवं वायु कोश में पदार्थों के विसरण में सहायता देता है, देना है, यानी कि ये अंदर जाकर या वायु कोश में भी विसरण क्रिया द्वारा फेफड़े में जो वायु जाता है, विसरण क्रिया द्वारा उसको विसरित करके डिफ्यूज करने में भी ये सहायता करता है, विसरण करने में भी ये उसे सहायता करता है। चलिए अगला देखते हैं, स्तंभकार एपिथीलियम क्या होता है। तो ऐसे उत्तक एक ही स्तर में सजे स्तंभकार कोशिकाओं के बने होते, देख रहे ना, एक ही स्तर में सजे हुए और स्तंभ जैसे, खंभे जैसे ये है, ठीक है, इस तरह की कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरों पर सूक्ष्म रंसाकुड़ होते हैं देखिए, ठीक है, माइक्रोविलाई जिसे कहा जाता है, ठीक है, यह देखते हैं ना, ये जो ऊपरी जो मुक्त सिरा है यानी खुला हुआ जो सिरा है, यहाँ पर रंसाकुड़ होते हैं। यह आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं, आहार नाल समझते हैं, हमारा जो फूड पाइप होता है, मुख गुहा, फिर ऊपर से आपका स्टमक जो होता है, अमाशय जो होता है, बड़ी या छोटी या, ये सब मिलकर क्या बनता है, आहार नाल का निर्माण करता है। जैसे आपको फिगर में दिखाता हूँ, जैसे आप ये एक मानव शरीर देख रहे हैं, तो यह मुंह से लेके मुख गुहा हो गया, यहाँ पे फूड पाइप आएगा, यह आगे चल के यहाँ पे यह आपका स्टोमक हो गया, या आपका बड़ी या छोटी आंत इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये यही है टोटल आहार नाल। तो आहार नाल के वैसे भाग में पाया जाता है जहाँ पदार्थों का अवशोषण और स्त्रवण होता है। तो हमारे जैसे यहाँ अगर पदार्थों के अवशोषण और स्त्रवण की बात करें, तो हमारे छोटी आंत के भीतर जो होता है पदार्थों का अवशोषण की क्रिया होती है, तो यानी वहां पाया जाएगा, है ना, अवशोषण, स्त्रवण और अवशोषण की क्रिया। आगे भी हमारे देखिए स्टोमक में भी अवस्त्रवण की क्रिया होती है, उसमें HCL वगैरह का स्त्रवण होता है, ठीक है, और ये साथ ही साथ ये हमारा स्तंभकार एपिथिलियम यांत्रिक सहारा देने का भी कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्यूबॉइडल एपिथिलियम। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं, क्यूब जैसी होती है, जैसा कि चित्र में यहाँ देख रहे हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस होता है, हर एक में देख रहे हैं, एक स्पष्ट न्यूक्लियस दिख रहा है। यह लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यह मुख के अंदर होते हैं, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि में पाई, और ब्रिक नलिकाओं में पाई जाती हैं। ब्रिक नलिका यहाँ से होती है, हमारे ब्रिक के बाद यहाँ पे स्थित ब्रिक नलिका होती है, ठीक है। अभी आपको तो पता नहीं है, टेंथ में चलोगे तो ब्रिक नलिका आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। यह अवशोषण स्त्रवण के अतिरिक्त, यानी अवशोषण और स्त्रवण का तो कार्य करती है, उसके अतिरिक्त यांत्रिक अवलंब भी देता है, यानी यांत्रिक सहारा देने का भी कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं, पक्षमाभी एपिथिलियम, यानी कि सिलिया भी इसे कह सकते हैं, पक्षमा भी कह सकते हैं। यहाँ लिखा है, शरीर की कुछ अंगों जैसे कि ट्रेकिया के भीतरी स्तर पर स्थित स्तंभकार एपिथिलियम में सिलिया यानी कि पक्षमाभ होता है, या सिलिया देखना रेसेदार ये ऊपर देखते हैं। सिलिया क्या करता है, तो सिलेरी गति के द्वारा, जो सिलेरी गति जो होती है, सिलेरी मूवमेंट जो होता है, उसके द्वारा
श्वास नली के भीतरी स्तर पर म्यूकस यानी कि श्लेष्मा एकत्रित नहीं रहने देते हैं, ठीक है, ताकि श्वास नली जाम ना हो, उसमें श्वसन की क्रिया सही से हो सके, ठीक है। तो ये एकत्रित नहीं होने देते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि आपके श्वास नली में भी पाया जाता है, श्वास नली में भी होता है, श्वास नली में भी होता है, साथ ही साथ गर्भाशय में, मादा के गर्भाशय में भी पाया जाता है, मादा के गर्भाशय में भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसी सिलिया के कारण ही, इसी सिलिया के गति के कारण ही गर्भाशय में के अंदर जो अंडवाहिनी जो होती है, मादा के गर्भाशय में यहाँ एक अंडवाहिनी होती है जिसके बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, उसमें उसके अंडाणु को एक ही दिशा में गति करने में मदद करता है, कौन, सिलिया है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया हम लोग को यह, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का ही लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।